नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड फ्रूट केक। सिंपल और इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिसंबर की पार्टी हो या बर्थडे पार्टी, जब भी केक खाने का मन करे तो आप होममेड केक घर में ही बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चले अब हम बनाना शुरू करें। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक फ्रूट्स लिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। अब हम इसे हल्के गुनगुने पानी से हम सभी फ्रूट को धो लेंगे और अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। फ्रूट को कट करते टाइम ही हम थोड़े से पीसेस केक को डेकोरेट करने के लिए भी रखेंगे। तो ये हमारे ग्रेप्स, एप्पल और स्ट्रॉबेरी कट हो गए हैं। अब हम ऑरेंज को भी कट कर लेते हैं। ऑरेंज के छोटे छोटे पीस करने के लिए उसे हम सबसे पहले हम पूरा अखा ही निकालेंगे और इसके छोटे छोटे पीस इस तरह से कर लेंगे। और हाँ, यूज़ करने से पहले इसमें से जो भी सीड्स रहेंगे उसे आप निकाल लीजिए। तो अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और सारे कट किए हुए फ्रूट एक पैन में ले लेते हैं। कटे हुए फ्रूट को हम सीधा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से अगर हमने यूज़ किया तो इसमें से जो जूस रहेगा वो बाहर निकल आएगा और हमारा केक ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम इसमें 2 स्पून चीनी डालकर इसे गर्म करेंगे। इसे हमें कुक नहीं करना है, बस चीनी घुलने तक ही इसे हमें गर्म करना है। इस फ्रूट को बाद में हमें व्हिप क्रीम में मिलाना है और व्हिप क्रीम ऑलरेडी स्वीट होता है, इसीलिए हमें इसमें ज़्यादा शक्कर नहीं डालना है। इसे हार्डली हमें 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है, सिर्फ चीनी घुलने तक ही पकाना है हमें। तो अब ये फ्रूट हमारा केक में यूज़ करने के लिए तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक बाउल लेकर इसमें छलनी रखकर इस फ्रूट को निकाल लेते हैं। इसमें से जो फ्रूट सिरप निकलेगा उसका हम ब्रेड को सोक करने में यूज़ करेंगे। फ्रूट को ज़रा सा अच्छी तरह से हिला ले ताकि अंदर जो भी सिरप रहेगा वो निकल जाए। तो अब ये फ्रूट हम केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं और ये जो सिरप है उसे हम ब्रेड में सोक करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। जब भी केक या पेस्ट्री खाने का मन करे तो ब्रेड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ब्रेड में से बनाई हुई केक से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बेकरी में से लाए हो या घर में बनाई है। ब्रेड में से आपको जो भी शेप बनाना हो आप उसी तरह से अरेंज करें। मैं यहाँ पर हार्ड शेप बना रही हूँ तो मैंने इस तरह से ब्रेड को अरेंज किया है। आप देख सकते हो कि ब्रेड को इस तरह से अरेंज करने से हमारा हार्ट शेप बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। मोल्ड को इस तरह से रखने के बाद मैं छुरी से बाहर की साइड की किनारी काट लेती हूँ ताकि ज़्यादा प्रेशर देने से हमारी ब्रेड टूट ना जाए। एक्स्ट्रा पीसेस को हम साइड में हटा लेते हैं। हमारा हार्ट शेप ब्रेड तैयार है। यहाँ पर मैंने जिस तरह से हार्ट शेप दी है आप कोई भी शेप दे सकते हो। अब हम इसे फ्रूट सिरप से सोक कर लेते हैं। फ्रूट सिरप से ना ब्रेड में एक बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर आ जाती है। ब्रेड का लेयर बहुत ही पतला होता है, इसके लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट सिरप डालकर इसे सोक ना करें, बहुत ही कम सिरप डालें। यहाँ पर मैंने सिंगल ब्रेड का यूज़ किया है, पर अगर आप बेस को थिक बनाना चाहते हो तो एक और ब्रेड लगाकर बेस को थिक कर सकते हो आप। अब यह हमारा ब्रेड सोक हो चुका है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। जब हमें क्रीम को व्हिप करना हो तभी हम फ्रिज में से निकालें, इसे पहले से ही निकाल कर बाहर ना रखें। यहाँ पर मैंने आधी पौनी वाटी ही व्हिप क्रीम लिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक व्हिप करेंगे और आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे इसमें एयर भर रहा है और आधा बाउल तक हमारा भर चुका है और ऑलमोस्ट हमारा क्रीम तैयार है। तो अब मिक्सिंग बाउल में हम फ्रूट लेंगे और व्हिप क्रीम भी उसमें ऐड करेंगे।
ब्रेड का साइज बहुत ही पतला होता है, इसलिए इसके ऊपर हम अलग अलग से क्रीम ऑफ फ्रूट का लेयर करेंगे, तो हो सकता है कि फ्रूट हमारा गिर जाए। पर फ्रूट और क्रीम दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इन दोनों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और फ्रूट का गिरने का कोई चांस नहीं रहता है। तो अब हम इसे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। क्रीम के साथ मिक्स किया हुआ फ्रूट आसानी से ब्रेड के ऊपर सेट हो जाता है और अलग से क्रीम की लेयर भी नहीं करनी पड़ती है। फ्रूट का लेयर हो चुका है, अब हम ब्रेड को वापस रख देंगे। तो अब हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। जब भी आप क्रीम बनाएं तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप कोई एसी वाली जगह पर आप बना रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आप किचन में बना रहे हो तो फ़ैन ज़रूर चालू रखें, नहीं तो क्रीम का पानी होने लगेगा और फिर सारा क्रीम वेस्ट हो जाएगा। यह हमारा होममेड जुगाड़ वाला केक है, तो हो सकता है शायद बाहर वाला फिनिशिंग ना आए क्योंकि हम वो प्रोफेशनली तो ये सब बनाते नहीं हैं, पर यकीन करो ये बाहर की केक से भी कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। तो ये अब हमने क्रीम अच्छी तरह से लगा लिया है, तो अब प्लेट को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और हाँ, जिस फ्रूट का हमने अंदर यूज़ किया है उसी फ्रूट की स्लाइस कट करके हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से, इजीली, सिंपल तरीके से बनने वाला हमारा ये फ्रूट केक अब डेकोरेट बनकर तैयार है। अब हमें इसे कम से कम आधे घंटे घंटे के लिए वापस फ्रिज में रख देना है ताकि वो थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है और अब हमारा केक खाने के लिए तैयार है। अब हम इसका एक पीस कट करके देख लेते हैं कि अंदर से भी सेट हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि अंदर से भी क्रीम और फ्रूट दोनों अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाला हमारा फ्रूट केक तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।